आंकड़ों, डेटा को गिनना और दर्शाना, गलत धारणाएं। दोस्तों, आज हम अक्षरों, लेटर्स को गिनकर दर्शाने में होने वाली गलतियों के बारे में जानेंगे। बबली, क्या तुम्हें पता है, जैसे हम वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्याओं को दर्शाते हैं, वैसे ही हम किसी भी नाम में आए अक्षरों की संख्याओं को भी गिन सकते हैं। देखो, मैंने इस कागज पर फलों के नाम लिखे हैं। तुम इन फलों के नाम में आए अक्षरों, लेटर्स को गिनकर उनकी संख्या को फलों के नाम के सामने लिखकर दिखाओ। ठीक है मम्मी, यहाँ पहले फल के नाम में 1, 2 और 3 अक्षर है, तो इसके सामने 3 लिखना है। बिल्कुल सही। अब यहाँ दूसरे फल के नाम में 2 अक्षर एक जैसे ही है, इसलिए दूसरे नाम में 1, 2 और 3 अक्षर ही है। नहीं बबली, हमें नाम में आए सभी अक्षरों को गिनना है, चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना हो। इस नाम में एक जैसे 2 अक्षरों की गिनती 2 ही होगी, इसलिए दूसरे नाम में 3 नहीं पर 1, 2, 3 और 4 4 अक्षर है। अच्छा, तो दूसरे नाम के सामने 4 लिखना है। हाँ, शाबाश। चलो अब तीसरे फल के नामों में आए अक्षरों को गिनकर बताओ। तीसरे नाम में 1 और 2 अक्षर है, तो इसके सामने 2 लिखेंगे। शाबाश। और चौथे फल के नाम में? चौथे नाम में 1, 2 और 3 अक्षर है, इसके सामने 3 लिखेंगे। शाबाश। अब यहाँ आखिरी नाम में 1, 2 और 3 अक्षर है, तो यहाँ भी 3 ही लिखेंगे। बिल्कुल सही। मम्मी, अब तो मुझे नाम में आए अक्षरों की गिनती करना आ गया। हाँ, पर याद रखना कि नाम में आए सभी अक्षरों की गिनती करनी है, चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना हो। ठीक है मम्मी। चलो अब ये बताओ कि यहाँ कितने फलों के नामों में अक्षरों की संख्या एक समान है। यहाँ 1, 2 और 3 3 फलों के नाम में 3 अक्षर है। शाबाश। अब ये बताओ यहाँ कितने नाम 2 अक्षरों वाले है। यहाँ एक ही नाम 2 अक्षरों वाला है। शाबाश बबली। दोस्तों, आज हमने अक्षरों, लेटर्स को गिनकर दर्शाने में होने वाली गलतियों के बारे में जाना।